हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए आज कंबल बनाएंगे गोपाल जी का। देखिए मेरे पास तीन कलर हैं, आप इसमें छोटी छोटी बची हुई ऊन भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए प्लीज़ आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए 12 नंबर का क्रोशिया है। देखिए एक बार तो मैं ऐसे ऊपर से धागा घुमा लेती हूँ, दोबारा ऐसे क्रोशिया को घुमा के एक मारा नोट लग जाता है, ठीक है। देखिए मैं चैन लूँगी, एक दो तीन चार पाँच छः सात। देखिए ये मैं 5, 6 और 7 नंबर गोपाल जी के लिए बना रही हूँ बड़ा ब्लैंकेट, ठीक है। 7 होगी, मैं चैन आपको बढ़ा के फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैंने 60 चैन ली है, एक और ले लेते हैं 61, ठीक है। 61 चैन होगी मेरी। देखिए ऊपर क्रोशिया रखेंगे, ये चैन हमें ज़्यादा कस के नहीं बनानी, बिल्कुल ढीली बनाएंगे, हमें इसके ऊपर काम करना है। देखिए एक दो इस तरफ से तीस चैन छोड़ के चौथी चैन में मैं ऐसे डबल क्रोशिया बनाऊंगी, एक और ये दो, ये मेरी दो डबल क्रोशिया बन गई। एक ही हमने जो मोड़ा है ये वाला, और अभी एक मैंने बनाया है उसके आगे वाली में एक और बनाऊंगी। ये टोटल मेरे 3 डबल क्रोशिया बन गए, ठीक है। 3 की मुझे चैन लेनी है बीच में, 2 और ये 3, ठीक है। 3 की चैन हो गई, धागे को ऊपर रखेंगे, 1, 2, 3 छोड़ के चौथे होल में मैं अपना फिर डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये एकदम नरम बनेगा, एक उसके आगे वाले होल में, ये 2 उसके आगे वाले होल में, ये 3, 1, 2, 3 की मुझे चैन लेनी है और 3 मुझे अपनी चैन नीचे स्किप करनी है। 1, 2, 3 छोड़ के चौथे वाले होल में ऐसे धागा ऊपर रख के या नीचे चौथे वाले होल में हमें अपना डबल क्रोशिया डालना है। 1 उसके आगे वाले में, ये 2। देखिए मेरे पास ये 12 नंबर का क्रोशिया है और ये फैदर की ऊन है, ठीक है। इसमें थोड़ी सी शाइनिंग होती है उनमें, और ये 3। इसी तरह मुझे अपनी पूरी चैन को भरना है, जितनी भी लंबी मैंने चैन ली है। 1, 2, 3 मैं चैन ले रही हूँ, 1, 2, 3 नीचे से छोड़ के चौथे वाले में मैं अपना डबल क्रोशिया बनाऊंगी, उसके आगे वाले में और उसके आगे वाले में। 3 के ऊपर मैं अपना काम कर रही हूँ और 3 मैं अपने बीच में खाली छोड़ रही हूँ, ठीक है। और 3 की मैं बीच में चैन ले रही हूँ। ये मैं पूरा इसी तरह कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स मैंने पूरी चैन अपनी भर ली है। लास्ट में मेरे पास ये धागा है, इसको मैं ऊपर ही कर लूँगी ऐसे, ये मेरे ऐसे बुनने में आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब इस तरफ से ऐसे बदलेंगे। देखिए पूरी चैन मैंने ऐसे कंप्लीट कर ली है। अब मैं अपना सेकंड कलर लूँगी, आप अगला कलर कोई भी ले रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स मैं अपना ब्लू कलर लूँगी, ऐसे बाहरी नोट लगाएंगे हम। अच्छे से नोट लगा के ऐसे अंदर ले आएंगे, एक चैन, दो चैन और ये 3। 3 चैन ले ली है मैंने। अब देखिए जो हम नीचे स्किप करके गए हैं अपने 3-3 होल, उनको भरेंगे हम। 3 चैन ले ली, सीधा हम ऐसे नीचे होल में आ जाएंगे, जो ये चैन है इसके ऊपर आना है हमें सीधे। देखिए इसके अंदर हमें ऐसे क्रोशिया डाल के अपना काम करना है। इसे थोड़ा लंबा खींच लेंगे, इसको एक बार और ये 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है हमें। हमने 3 होल नीचे छोड़े हैं, 3ों के ऊपर ऐसे आराम से एक एक डबल क्रोशिया बनेगा। ठीक है, ऐसा हमारा एक खाना यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब 3 की चैन लूँगी, चैन हमें 3 की ही रखनी है शुरू से लेके लास्ट तक, और 3-3 हमें ये बनाने हैं अपने डबल क्रोशिए। अब सबसे पहले वाले में देखिए, इसे थोड़ा लंबा खींच के बनाएंगे, उसके आगे वाले में, और अब उसके आगे वाले में हम 3 होल छोड़ के गए हैं आगे, 3ों में एक एक बना लेंगे, ठीक है। अब 3 की चैन लूंगी और इसी तरह ये आगे वाला होल है, इसको मैं भर लूँगी।
धागा ऊपर रख के सीधा चैन के ऊपर जाएंगे। इसी तरह मैं आपको ये दूसरा हाथ भी, जब हमने जंजीरी बनाई थी वो हमारा पहला हाथ है, डिज़ाइन का हमारा ये दूसरा हाथ है। तीनों होल हमें ऐसे भरने हैं, तीन खाने अपने तीन बार बना लिया। अब तीन की चैन लूँगी, आगे जाऊँगी। इसी तरह मुझे ये अपनी पूरी रो कंप्लीट करनी है। अभी हमारी चैन के ऊपर डिज़ाइन चल रहा है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये अपना सेकेंड राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। जितने होल हम छोड़ के गए थे सभी में मैंने अपने बना लिए हैं। अब देखिए लास्ट में तीन की चैन लेनी है हमें। सबसे पहले के ऊपर ऐसे स्लिप स्टिचेस को जोड़ देना है, ठीक है। अब मैं अपना तीसरा कलर लूँगी, आप तीन कलर कोई भी ले रहे हैं। ऐसे ऊपर घुमा के बाहरी हमें एक बार और घुमा के नॉट लगा लेना है और अपना धागा अंदर ले आना ऐसे, ठीक है। अब मैं ब्लू कलर को यहीं पे छोड़ दूंगी। अब मैं इससे अपना काम शुरू करूंगी। एक दो तीन की मैंने चैन ली है, इस कलर को ऐसे खींच देंगे, धागा ऊपर रखेंगे। अब देखिए पहले हमारे नीचे डबल क्रोशिए बने हुए, उसके ऊपर हमारी जंजीर है। अब हमें फिर अपने डबल क्रोशिए बनाने हैं। इसी तरह डबल क्रोशिए के ऊपर एक, ये दो और ये तीन, तीन के ऊपर हम तीन बनाएंगे। और जो हमने शुरू में चैन ली है अगर उसको देखेंगे तो ये हमारे चार बन गए, ठीक है। अब देखिए तीन की चैन लेनी है हमें, अब फिर उसी तरह बनाना है। ये हमारी तीन है येलो कलर के, ऐसे खोल के सबसे पहले के ऊपर बनाएंगे। देखिए बहुत आसान डिज़ाइन है, वो बड़ी जल्दी बन जाता है। जितने नीचे क्रोशिए हैं डबल हमारे, उनके ऊपर उसी तरह तीन डबल क्रोशिए बनाऊंगी। बस यही डिज़ाइन है हमारा, शुरू में और लास्ट में देखिएगा, बीच में हम सेम ऐसी तरह बनाएंगे। दो तीन की चैन लेंगे, फिर येलो के ऊपर जाएंगे, ऐसे खोल के सबसे पहले के ऊपर एक, आगे वाले के ऊपर ये दो डबल क्रोशिए, उसके आगे वाले के ऊपर ये तीन। बहुत आसान डिज़ाइन है, दो तीन। देखिए मैंने बेडशीट में भी यही डिज़ाइन डाला था, बहुत प्यारी बेडशीट बनी है, बहुत सुंदर लगते हैं गोपाल जी ऊपर बैठे हुए, दिखाऊंगी मैं आपको। और ये तीन, ठीक है। ये मेरा तीसरा हाथ भी इसी तरह कंप्लीट होगा। बीच में हमें चैन दिखेगी, बक्सा दिखेगा खाली, और एक तीन डबल क्रोशिए वाला दिखेगा, ठीक है। ये लास्ट पे आके फिर दिखाती हूँ मैं आपको कैसे करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैं लास्ट पे आ गई हूँ। दो तो मैंने अपनी डबल क्रोशिए निकाल ली, अब जब तीसरा निकालूँगी तो ये येलो कलर मैं ऐसे साथ ले लूँगी, मेरा येलो कलर ऊपर आ जाएगा। वापस मोड़ूँगी, एक चैन छोड़ दूंगी इसको। अब मुझे येलो कलर से अपना डिज़ाइन बनाना है। दो चैन तीन चैन, ठीक है। ये तीन की मुझे चैन लेनी है। अब देखिए यहाँ पे मेरे डबल क्रोशिए बने हुए हैं, यहाँ पे नहीं बनाएंगे, सीधा ब्लू के ऊपर जाएंगे। एक बार हमारी लास्ट में चैन आती है, दोबारा घूम के आते हैं, डबल क्रोशिए आ गई, अब फिर चैन आएगी, दोबारा घूम के आएंगे, फिर डबल क्रोशिए आएंगे। सबसे पहले के ऊपर ये हाथ बस उसी तरह घुमाना है हमें, शुरू में और लास्ट में ध्यान रखना है। तीन के ऊपर ऐसे तीन बनेंगे, एक दो तीन की चैन। अब ब्लू के ऊपर जाऊंगी मैं, लास्ट में आके दिखाती हूँ मैं आपको। बीच में हमारी तीन की चैन आएगी और साइड में हमारा डिज़ाइन बनेगा, ठीक है। इसी तरह कंप्लीट होगी, देखिए कुछ ऐसा डिज़ाइन बनेगा। यहाँ तक बना के फिर दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये हाथ भी कंप्लीट हो गया। लास्ट में मैंने तीन चैन ले ली हैं। अब जब इस तरफ हमारा पहले बना हुआ होता है उस वक्त हम ऐसे स्लिप स्टिचेस को जोड़ देते हैं, ठीक है। अब ये ब्लू कलर मुझे ऊपर लेके आना है,
ऐसे येलो मुझे यहीं पे छोड़ देना है। अब मैं अपना ब्लू का हाथ घुमाऊंगी। एक चैन ले ली है मैंने, अब एक एक दो तीन और ये चार, ठीक है। देखिए अब मेरी ये चैन आ गई है, अब मुझे इसके ऊपर ब्लू कलर का डिज़ाइन बनाना है। बस आपको ये ध्यान रखना है, एक बार हमारा ये डबल क्रोशे निकलेंगे, एक बार चैन आएगी। अब तीन के ऊपर इसी तरह तीन मुझे डबल क्रोशे अपने बना लेने हैं। तीन की चैन आएगी आगे वाले होल में। इसी तरह ये भी मैं कंप्लीट करके आपको इसकी लंबाई बढ़ा के फिर दिखाती हूँ। बस लास्ट में हमारी एक बार चैन आती हैं और एक बार हमारे डबल क्रोशी बनते हैं। देखिए आपको पता लग जाएगा, जैसे हमारे बीच में डिज़ाइन होगा वैसे ही हमारा साइड में डिज़ाइन होगा, दोनों तरफ ऐसे ही होगा। जो डिज़ाइन हमारा बीच में होगा वही हमारा साइड में होगा। एक बार जो चैन होती है वो नीचे दब जाती हैं, उसके ऊपर हमें डबल क्रोशी बना लेती है। इसकी लंबाई बढ़ा के आपको फिर दिखाती हूँ, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, बार बार रिपीट करने के बाद हमारा कुछ ऐसा डिज़ाइन बना है। लंबाई मैं इतनी ही रखूँगी, अगर आप दो हाथ और घुमाना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, वैसे तो ये ठीक है। लास्ट में देखिए स्लिप स्टिच से इसको बंद कर देंगे, येलो कलर ले आएंगे और एक कलर मुझे कट करना है। अब मेरा येलो हाथ घूमेगा, पिंक कलर कट करूँगी। जब आपको लगे कि आपके गोपाल जी के कंबल की लंबाई पूरी हो गई है, उस वक्त ये हमें कट कर देना है। ऐसे नोट लगा लेंगे, हमारी बनाने में साथ में आ जाएगा। देखिए लास्ट वाली जो हम सिलाई निकालेंगे वो देखिएगा, एक चैन ले ली मैंने, ये दूसरी चैन ले ली, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा डबल क्रोशिया बना हुआ नहीं है, यहाँ पे ये तीन चैन लेनी है, डबल क्रोशिया बनाएंगी यहाँ पे। यहाँ पे मेरा बना हुआ नहीं है, एक यहाँ पे मेरी चैन है, पिछले हाथ में चैन बनाई है हमने, और ये तीन, ठीक है। देखिए मैं अब ख़त्म करने लगी हूँ कंबल की लंबाई को। अब देखिए ये वाला जो हमारा हाथ है इसमें ऐसे ही हमें स्लिप स्टिच बनाना है, एक आगे वाले के ऊपर, ये दो आगे वाले के ऊपर, ये तीन। अब यहाँ पे बना हुआ नहीं है, यहाँ पे मैं अपने डबल क्रोशिया निकालूंगी, उसी तरह तीन के ऊपर तीन। ये लाइन हमें लास्ट में बनानी है, जब हम अपने कंबल की लंबाई पूर्ण कर लेंगे उसके बाद में बनानी है। अब इनके ऊपर स्लिप स्टिच जो बने हुए हैं उनके ऊपर स्लिप स्टिच बनाएंगे, दो बना लीजिए, तीन बना लीजिए, तीन के ऊपर तीन। अब आगे डबल क्रोशिया बनाऊंगी, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये लास्ट वाली सिलाई सेम ऐसी दिखेगी जैसे हमारी शुरू में दिख रही है, ठीक है। बस जब डबल क्रोशिया आएंगे उनके ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनाना है, और जो डबल क्रोशिया बने हुए आएंगे उनके ऊपर हमें स्लिप स्टिच करना है। अभी बने हुए हैं इनके ऊपर, तीन के ऊपर इसी तरह तीन बनाऊंगी। ठीक है, ये मैं आपको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। अब डबल क्रोशिया बनेंगे, देखिए फ्रेंड्स मैंने लास्ट तक बना लिया है। अब मुझे ये कलर भी अपना कट करना है ब्लू, ऊपर मैं अपना येलो कलर रखूंगी, कट करके साथ में नोट लगा लेंगे। देखिए कंबल की लंबाई चौड़ाई कंप्लीट हो गई है। अगर आप थोड़ा और बड़ा करना चाहते हैं तो दो हाथ और घुमा लीजिएगा। अब देखिएगा इस तरफ से एक दो की चैन लूँगी मैं, क्रोशिया ऊपर रखूँगी, धागा क्रोशिया के ऐसे निकाल दूँगी, एक दो की चैन लूँगी, थोड़ा आगे जाके एक बार निकालूँगी और उसी दोबारा वहीं पे निकालूँगी, दो की चैन ऐसे और दोबारा वहीं पे, दो की चैन, थोड़ा आगे जाके। देखिए आपका ये झोल नहीं पड़ना चाहिए और ना ही ज़्यादा खिंचो होना चाहिए, उस हिसाब से बनाइएगा, हाथ का भी थोड़ा फ़र्क होता है। ये मैं दिखाती हूँ आपको ऊपर तक बना के, ठीक है। ये फ्रेंड्स ऊपर की तरफ
यहाँ से मैं बना के ऊपर ले आई हूँ। देखिए यहाँ पे एक बनाया, एक ऊपर कॉर्नर पे बनाया, उसी तरह आगे बनाऊंगी, एक थोड़ा दो बनाऊंगी। ये धागा मैंने कट नहीं किया, इसी तरह वापस मोड़ के ले आई हूँ। बस सभी को ऐसे एक बार निकाल देंगे और दो की चैन लेंगे, ठीक है। अब मैं इसको यहीं पे छोड़ देती हूँ, कैप बना लेंगे। कैप मैं ब्लू कलर की बनाऊँगी, चाहे रेड की बना लीजिए, ठीक है। देखिए ज़्यादा दूर नहीं हमारा होना चाहिए, इसको यहीं पे छोड़ देती हूँ। देखिए कैप के लिए ऐसे मैं डबल करूँगी, ऐसे बीचों बीच में मैं मुझे यहाँ पे निशान आएगा। अब देखिए यहाँ से लेके इस तरफ मैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह और ये बारह, बारह मेरे इस तरफ आ जाएंगे और बारह मेरे इस तरफ आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से बीचों बीच से मैंने इस तरफ से अपने बारह लिए हैं, यहाँ पे मैंने अपनी क्रोशिया रख लिया है। अब यहाँ पे मैं अपना कलर लगाऊंगी, देखिए ब्लू कलर लगाऊंगी मैं यहाँ पे, येलो अभी हम यहाँ पे बंद कर देते हैं, ऐसे घुमा के क्रोशिया बाहर नोट लगाएंगे, इसे अंदर ले आएंगे, ठीक है। एक दो की चैन, एक मेरा यही डबल क्रोशिया हो गया, एक आगे से, एक आगे से, ये हमें बराबर रखना है, बीच में निशान लगा के दोनों तरफ हमें बराबर रखना है। ये बारह बारह हो जाएंगे मेरे दोनों तरफ से, टोटल मैं यहाँ से चौबीस उठा लूँगी, ठीक है। दिखाती हूँ मैं आपको, उसी तरह एक क्रोशिया के ऊपर एक क्रोशिया ऐसे आराम से बनाएंगे, ठीक है। ये मैं आपको बना के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मेरे टोटल 24 उठ गए हैं, ऐसे देखिएगा मिला के, आपकी बराबर आनी चाहिए यहाँ पे कैप ऐसे, ठीक है। 12 मैंने इस तरफ उठाए और 12 मैंने इस तरफ उठाए, टोटल मेरे 24 उठ गए। अब दोबारा यहीं से मोड़ लेंगे, देखिए कलर आप कोई भी लीजिए बहुत प्यारे लगेंगे, ऐसे मोड़ लीजिए, दो की चैन लेंगे। अब 24 के ऊपर इसी तरह 24 डबल क्रोशिया बनाऊंगी मैं, एकदम सिंगल बना के दिखाती हूँ आपको, बस इसी तरह रिपीट करना है हमें, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स हमने सेकंड हाथ निकाल लिया, 24 के ऊपर मेरे 24 है, 24 के ऊपर 24। अब ये तीसरा हाथ देखिएगा, दो की मुझे चैन लेनी है, अब एक आगे से लूँगी, इसको कंप्लीट नहीं करूँगी, इसी तरह रख लूँगी, धागा ऊपर रखेंगे, एक आगे से लूँगी। अब ये आधा कंप्लीट करूँगी, मेरे क्रोशे में तीन लूप हैं, तीनों को एक साथ निकालूँगी, ठीक है। मैंने सबसे पहले कम कर दिए, बीच वाले में एक कंप्लीट नहीं किया मैंने, ऐसे रख लिया आगे से, ये दूसरा, अब तीनों को निकालूँगी। ये तीसरा हाथ है, इसी तरह करूँगी सभी को मैं, दो को साथ में कंप्लीट करूँगी, तीन हो जाते हैं क्रोशिए में, फिर वो कंप्लीट होंगे। एक दोबारा आगे से डबल क्रोशिया, हाफ क्रोशिया बनाऊंगी ऐसे, अब मेरे क्रोशिए में तीन लूप हैं, तीनों को निकाल दूंगी। इसी तरह पूरा हाथ मुझे घुमाना है, इसमें तीनों को एक साथ बनाना है, एक कंप्लीट नहीं करेंगे और आगे से इसको भी कंप्लीट नहीं करेंगे, अब तीनों को करेंगे, एक एक आगे से, एक तीन हो गए, तीनों का एक, ऐसे। ये तीसरे हाथ में मैं कर रही हूँ, इसी तरह पूरी सिलाई इसी तरह करेंगे। अब लास्ट में मैं तीनों को एक सार कर दूंगी, एक अभी, ये दूसरा और ये तीसरा होगा जो, उसको भी ऐसे ही। अब मेरे क्रोशे में चार हैं, चारों को एक सार कर दूंगी। देखिए कैप अंदर की तरफ मुड़ने लगी है, ये तीसरा हाथ कंप्लीट किया हमने, अब ये चौथा हाथ आ गया है। दो की चैन लूँगी
उसी तरह करूँगी, एक ये दो, अब मैं तीन तीन कंप्लीट करूँगी अपने, ये तीन क्रोशी में चार हो गए, चारों को एक साथ, एक ये दो, आगे से एक और लूँगी, ये तीन, चार हो गए, चारों को एक साथ, फिर ऐसे करूँगी। देखिए कलर ब्लू ले लिया मैंने, पता नहीं चल रहा है इसमें, एक ये दो ये तीन, तीन लूप उठाए, सभी को एक साथ, आगे फिर ऐसे करूँगी, एक ये दो ये तीन, चार हो गए, चारों को एकदम निकालूँगी, एक ये दो ये तीन, सभी को एकदम निकाल दूँगी। ठीक है, देखिए हमारी ये कैप की शेप में आ रहा है बिल्कुल। अब देखिएगा दो की चैन, एक ये दो ये तीन, तीनों को निकाल दिया, एक दो, लास्ट में मेरे तीन ही हाथ आएंगे, तीन, सभी को निकाल दूंगी। ठीक है, देखिए एकदम आप ऐसे गोपाल जी को उठाएंगे, बहुत प्यारी शेप आएगी। देखिए मैं वाइट कलर में दिखाऊंगी आपको। ठीक है, अब मेरी ये कैप कंप्लीट हो गई है। अब एक चैन लेके इसको यहीं से कट कर दूंगी। धागा अंदर ही छुपा देंगे, जिस तरफ हमारा सीधा है सफाई है उससे दूसरी तरफ अंदर। अब ये येलो कलर हम कंप्लीट करेंगे। देखिए मैंने कैप निकाल ली है, येलो कलर है इसमें, एक दो की चैन, एक ही साथ निकालना है सभी को, ऐसे दो की चैन, थोड़ा आगे जाके ठीक है, दो की चैन। देखिए यहाँ पे हमारी कैप बनी है, यहाँ पे पहुँच गई हूँ मैं। देखिए कैप के बिल्कुल नीचे यहाँ पे मैं ऐसे जोड़ूंगी, एक बार एक चैन ले लूँगी, इसको ऐसे खींच लूँगी थोड़ा सा, यहाँ ये हम बटन का काम लेंगे इससे, एक मिनट। देखिए ऐसे खींच के दोबारा धागा ऐसे ऊपर रखूँगी, इसी होल में एक बार निकाल के ऐसे एक रख लूँगी क्रोशी में, एक बार और निकालूँगी, ये दो बार हो गया, कंप्लीट नहीं अभी करना, ये तीन बार हो गया, दो चार पाँच हो गए मेरे क्रोशी में, सभी को निकालूंगी एकदम से। ठीक है, इसको एक बार लॉक कर दूंगी, ये हमारा बटन के काम आएगा जब हम गोपाल जी को इस तरफ ऐसे दूसरी तरफ पहनाएंगे। देखिए मैंने दो चैन लेके इसको यहीं पे जोड़ना है, उसी हॉल में जिस हॉल में हमने इसको बनाया है उसी हॉल में जोड़ देंगे, ये हमारा बटन का काम करेगा। ठीक है, हमें पफ मिल गया है छोटा सा। अब जो सामने वाली है देखिए कैप, इसके ऊपर मुझे हाथ घुमाना है अपना येलो, इसके ऊपर मैं बारीक वाला हाथ घुमा दूंगी ऐसे ही बस। धागा ऊपर रख के तीन बार निकाल दीजिए तीनों को एक बार, देख लीजिएगा आपकी अच्छे से सफाई आएगी सामने। दूसरी तरफ आके दिखाती हूँ मैं, सामने इसी तरह गोलाई में घूमेगा हाथ। ठीक है, देखिए कैप के ऊपर हाथ घुमा रही हूँ मैं अपना। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी कैप ख़त्म हो गई है, इस तरफ हमने बटन बनाया है ये वाला, इस तरफ हम हॉल बनाएंगे बटन डालने के लिए, एक दो तीन,
देख लीजिएगा आपका आ जाएगा ये चार, चार की चैन ले ली हमने, यहीं पे जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए थोड़ी दूर जाके हम इसको देखेंगे थोड़ा सा कि हमारा बटन अच्छे से अंदर आ रहा है, वरना पांच की चैन ले लीजिए। जब हम गोपाल जी को ऊपर से ऐसे उठाएंगे तो हमारा ऐसे बटन लगा देंगे। ये आप चैन पांच की कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए ऐसे बंद हो गया है ये आराम से, हमें अलग से बटन लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये पीछे का लुक है और ये सामने का, बाकी हम अपना हाथ उसी तरह घुमाएंगे जैसे हमने इस तरफ घुमाया है। दो की चैन लेके एक थोड़ा दो बार निकालना है हमें हाथ अपना, दो की चैन लेके आगे जाएंगे, दो की चैन लेके आगे जाएंगे, ये पूरा हाथ इसी तरह घूमेगा यहाँ पे, यहाँ पे और ऐसे पीछे, दोबारा यहाँ पे आ जाएंगे जहाँ पे हमने शुरू किया था। ठीक है, दिखाती हूँ मैं आपको हाथ घुमा के। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट पे पहुँच गई हूँ, यहाँ बना के एक चैन लेके कट कर दूँगे, धागा अंदर की तरफ छुपा देंगे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए एक मैंने इस कलर का बनाया है और एक ये वाला कलर है। देखिए बीच में कैप हमने दो हाथ में बिल्कुल सिंपल 24 के ऊपर 24 डाले, तीसरे हाथ में हमने कम करने शुरू किए हैं, दो हाथ में हमारे कम हो गए, तीसरे हाथ में जो लास्ट में बस दो ही पफ बचे थे हमारे। देखिए फ्रेंड्स, गोपाल जी कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे, और ये जो हमने इस तरफ होल्ड किया है ऐसे हम इनको बंद कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये वाइट कलर है, आपको जो भी पसंद है आप वो बना लीजिएगा। ठीक है।